ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भोजपुर जिले के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र में हुए युवक की हत्या का भोजपुर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया और इस कांड में शामिल तीनों बदमाश को हथियार के साथ दर दबोचा है। आपको बताते चले कि 30 अगस्त की रात को सरैया गांव निवासी 20 वर्षीय नीरज कुमार की हत्या एक चिमनी भट्टा के पास गला रेत कर दिया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा अपराधियों को चिन्हित करने में लगी थी। वहीं पुलिस ने इस कांड में शामिल तीनों बदमाश को एक देसी कट्टा और 4 गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि हत्या का कारण पूर्व विवाद है। फिलहाल पुलिस ने तीनों लोगों को जेल भेज दिया। इस कांड में उद्भेदन के जिले के DIU टीम ने अहम भूमिका निभाई है। कृष्णागढ़ थाना अंतर्गत 30 और 31 की रात में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी गला रेत कर और चिमनी भट्टा जो था वहाँ पे, और उस व्यक्ति के घर परिवार में ही पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, उसको लेके काफ़ी सेंसेशन था और पूरे दिन विधि व्यवस्था की समस्या से पुलिस को जूझना पड़ा था। इस घटनाक्रम में थानाध्यक्ष और एक पूर्व जो थानाध्यक्ष थे संजय सिन्हा जी इंस्पेक्टर, ये और DIU के कुछ टेक्निकल टीम के जो लोग थे उनके मदद से इसमें काफ़ी मेहनत की गई और अलग अलग जगहों से प्राप्त सूचना के आधार पे और मानवीय सूचना के आधार पे इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है जो घटना में शामिल थे। उन लोगों के बयान पे और कुछ लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी ये वो लोग भी हैं जो कृष्णागढ़ सरैया बाजार में CCTV से रात में जाते हुए नजर आए थे और जिनकी पहचान की गई थी स्थानीय लोगों की मदद से। तो वो उनमें से 3 जो है वो तीनों आप आज के इसमें प्रेस ब्रीफ में हैं। ये इन लोगों के द्वारा घटना जो बताई गई है उसमें मूल रूप से कारण है जो कुछ वर्ष पहले नट जाति के ही एक बच्चे की हत्या हुई थी, जला के मारा गया था, उसमें कांड दर्ज हुआ था और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार होके गए थे। लेकिन जिन लोगों के द्वारा हत्या की गई है इनका कहना है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गला काट के की गई थी ये भी उस घटना में शामिल था, इसकी वजह से ही हम लोगों ने उस मौत का बदला लिया है। इस घटनाक्रम में FSL की टीम का भी हम लोगों ने लिया है हेल्प, जिसमें मृतक के हाथ में बाल आ गया था और वहाँ पे शराब का जो पाउच मिला था उस पर भी कुछ प्रिंट्स वगैरह हम लोग को मिले, और इसके अतिरिक्त जिस हथियार से गला काटने की कोशिश की गई थी या काटा गया था उस हथियार को भी हम लोगों ने एविडेंस के तौर पे रखा है और उसमें भी काफ़ी बृहद स्तर पे FSL की टीम के द्वारा वहाँ से साक्ष्य उठाया गया, जिस पर आगे आने वाले समय में अनुसंधान में उन तथ्यों को हम लोग रखेंगे। सब जिस व्यक्ति और जिस जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई इनका पुरुष से भी आपराधिक इतिहास है, जिसमें भोलानट उर्फ मौला है और सुमारू नट है। इन लोगों का स्पष्ट रूप से पहले से भी कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र में आपराधिक इतिहास रहा है। अन्य जो एक इसमें अभियुक्त हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि उनका अभी तक का क्या आपराधिक इतिहास है। जो 2-3 अन्य और लोग हैं जो सहयोगी के तौर पे इनके रहे हैं, तो उसमें कुल मिला के